हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। अभी आपको सुनाई देगा ना पंछी का आवाज़। सुनो, इस नीम के पेड़ में कितना पंछी है और ये आवाज़ कर रहा है। और ये वाला जो पेड़ है ना, धीरे धीरे ये पिंक फूल में भर जाएगा। सुन रहे हो, ये तोते का आवाज़ है। पता नहीं, देखते हैं कहाँ छुपा है। यहाँ पे शालिक भी है। वहाँ शालिक मतलब मैना, बंगाली में शालिक बोलते हैं। मैना भी है वो अंदर। इतना घना पेड़ है, चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। अरे ये पंछी का आवाज़ मतलब एकदम मन को सुकून देता है। वहाँ पे एक मैना दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर आवाज़ें हैं। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। यहाँ पे भी कुछ पंछी हैं। नहीं पंछी नहीं, यहाँ पे गिलहरी है। ये जो हिल रहा है ना डाली, यहाँ पे गिलहरी है। मैंने जो कल 45 प्लांट्स लगाया है और उतने सारे प्लांट्स खरीद के लाए हैं, तो सोनू को पता नहीं था, तो आज सुबह जाके उनको दिखाया। उनका रिएक्शन जो था वो तो मुझे पता है और बोला भी है। अभी आप लोग भी सुन लो क्या था पौधे देख के आपका रिएक्शन। रिएक्शन क्या था, उतने में पानी भी तो देना पड़ेगा। पानी तो मैं देती हूँ और तुम मुझे बोलोगे। देखो पौधे देखने में हमेशा अच्छा लगता है, फूल भी देखने में अच्छा लगता है जब भरा रहता है। पिछले साल क्या हुआ था, मैंने गांव चला गया था और सारे पौधे को पानी डाल डाल के मार दिया था ये लोग। अरे मार क्या देता, मैं सोचा तो और हेल्दी होगा, जितना खाना देंगे ज्यादा करके। मुझे क्या पता था मिट्टी भीगा रहता है तो पानी देते हैं। सर्दी में हफ्ते में एक बार या दो बार मिट्टी देख के ना पानी देना पड़ता है। मुझे क्या पता कि ये देखो इनका हालत, नालायक है। उसको खाना देते हैं फिर भी मर जाता है। हम तो जानते हैं जिसको जितना खाना देगा उतना फलेगा फूलेगा मोटा। अरे पानी के बाद बोल रहे खाना पानी दोनों ही कम देता है। ज्यादा खाना दोगे तो वो उसका डायबिटीज हो जाता है, पता है। तो ज़्यादा खाना नहीं देते खाना, और सर सीजनल प्लांट को एक बार ही खाना देता है पूरे सीजन में। ठीक है, तुम पौधे में पानी उन्हें दो, फूल वूल अच्छा आएगा, तब मैं फोटो लेकर सबको दिखाऊंगा कि देखो मेरा पौधा है कैसा। ऐसा हस्बैंड किसी का ना हो। ऐसा हस्बैंड क्या, बगीचा मेरा नहीं है क्या? मैं वो गमले उठा के नहीं रखता हूँ, वो रैक्स नहीं रखता हूँ, उसका सब रखता हूँ ना। तो बताओ मेरी बीवी ने लगाया, मैं बोलूँगा मैंने लगाया है। देखो मेरे अब क्या माई टेरेस हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट क्या क्या। तुमको तो कुछ भी आइडिया नहीं है मैं क्या क्या बोलता हूँ। सुनोगे तो बोले अच्छा इसको इतना कुछ पता है क्या। समझ गए, तुम्हारे साथ मुझे रहना नहीं है। मेरा मेहनत और ये जाके अपना वो करते हैं, मतलब नीचे ढाक नीचे पेटाओ। मैं नीचे तोमर ढाको ना ढाक तो और मैं ढोल भी मेरा है और वो बजाता हूँ अपना। कैसा है, दूसरे का काम अपने नाम ले लेते हैं। अभी हम लोग जाएंगे गंगा नर्सरी, मैंने आपको बताया था। पूरे बसंत कुंज में ना सारे जगह ये जो सीडलिंग्स पैकेट में मिलता है वो 30 रुपया 25 रुपया है, और गंगा नर्सरी में वो 20 रुपया लेता है। तो वहीं पे जाएंगे और वहाँ से बोला था कि आज जाने के लिए अच्छे पिटूनिया आएगा हेल्दी, कहीं भी नहीं मिल रहा था पिटूनिया प्लांट हेल्दी इस बार, तो वहाँ पे बोला है आएगा। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ये दोनों निकलेंगे वो पौधे लेंगे, कुछ और काम करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ब्रेकफास्ट में है सिर्फ केला खा के ही निकल जाएंगे, नहीं तो लेट हो जाए। केला और आमंड यही खा के दोनों निकल जाएंगे। ये तो फूटा हुआ है।
इसमें खिला हुआ है, इसमें है तो जिसमें कली सिर्फ है ना वही वाला नजर नहीं आ रहा, सब एक साथ रखा हुआ है। पौधे उधे ले लिया, अभी जा रहा है हरियाणा फ्रेश लेना है सब्जी। मछली लिया है, और ये मछली अगर रिया ये वीडियो देखेगी ना बस वो तुरंत फोन करेगी, मम्मी इतने सारे मछली ले लिया आपने, मैं ही नहीं हूँ, आप खा पाओगे? ऐसे नहीं बोलते, बोलते मैं नहीं हूँ तो क्या है, आप लोग खाओ, ऐसे बोलते हैं, बोलती है ये। चलो आ गए हरियाणा फ्रेश, यहाँ से लेंगे थोड़ा बहुत सब्जी, यहाँ पे सब्जी फ्रेश मिलता है तो यहाँ पे सब्जी भी ले ले। कितने सारे सब्जी अभी ले आए, कोई हेल्प करने वाला हो ना तो सारे काम आसानी से हो जाता है, तो आज सोनू था इसलिए मेरा इतने सारे सब्जी पौधे सारे कुछ ऊपर भी आ गया और ले भी लिया। अभी फिश भी धोना है, यहाँ पे सारे मछली जो भी लाए हैं वॉश करके नमक और हल्दी लगा के रख दिए हैं। आज सोनू से ढेर सारा काम करवाया और ये ले आके मतलब ये क्या है अमरूद, अमरूद खीरा ये ले आके काट के सजा के रखा है मेरे लिए, खुद खाएगा मेरे लिए भी रखे है। और यहाँ पे इतने सारे मिर्ची यहाँ पे धो के सूख भी गया, इसका जो डंठल है ना ये हटा के रखेंगे तो ये मतलब महीने भर तो ये ताज़ा रहता है, फिर तो ये काम भी करना है। क्या करना है? मिर्ची रखने के लिए, मिर्ची है उसमें फ्रिज में तो है तो वो तो पानी में रखा हुआ है। मिर्ची का डंठल मैं मतलब इसको तोड़ के रख दूंगी क्योंकि शाम के लिए आप एनर्जी बचा के रखो, बहुत सारे काम है मुझे हेल्प करना, उतने सारे पौधे लाए हो, कितना सा 23 प्लांट लाए हो? नहीं लाई हूँ, मैंने नहीं लाया। कैसे सबको जाके बोलोगे मैं पौधे में ये करता हूँ, पानी देता हूँ, खाद डालता हूँ, देखभाल करता हूँ, और यहाँ पे बोल रहे लाई हूँ, मतलब लगाओगे नहीं? फूल आने दो, फोटो खींच के लोगों को दिखाएंगे। आज कुछ लंच बनाना नहीं पड़ा क्योंकि ये सोनू कल आए थे हैदराबाद से तो उन्होंने ले आई बिरयानी, तो बिरयानी है साथ में ये खीरा और प्याज काट लिया, और यहाँ पे है थोड़ा सा ग्रेवी और ये है बिरयानी। आज फिर से सुबह गया के ये सारे प्लांट खरीद के लाए हैं, इतना है 23 प्लांट, ज़्यादा नहीं है। सोनू को आज मोटे बना दिया जितना भारी भारी काम है सारे करवा लिया आज। इस टाइम ना कोलियास का बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल रहा था, हाँ नहीं नहीं कोलियास का बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल रहा था तो ये मेरे पास नहीं था, ये 5 कलर तो ये मैंने ले आई, ये देखो कितना खूबसूरत है, तो ये 5 कलर, ये डार्क वाला भी अच्छा लग रहा है, तो ये 5 कलर मेरे पास नहीं था ये ले। यहाँ पे 12 ये है क्या है पिटूनिया, और यहाँ पे गेंदा है, और इस बार एक ले आई स्ट्रॉबेरी, देखते हैं कैसे फलेगा, अगर फल होगा या नहीं पता नहीं। ये देखो स्ट्रॉबेरी प्लांट, इसमें ना ये वाला जो सकर्स है ना इसमें भी एक प्लांट और है, दो दो प्लांट, एक प्लांट किया है तो ये भी मिल गया है, दो प्लांट स्ट्रॉबेरी होगा तो सबको खिलाएंगे, एक प्लांट में सबको खिलाएंगे। और अभी ये सारे लगाएंगे, कोई खाद और नहीं, ऐसे ही मिट्टी डालेंगे, इसी कोई मिक्स करेंगे अलग। ये वाला कलर कितना अच्छा है ना, बेबी पिंक टाइप का।
प्लांट है तो कल शाम को किधर देखेंगे, तो 100% देख लें उधर जाकर बैठेंगे। किटे बुड़ो सच में मुझे वीडियो में मत दिखाना कोई कोई सुबह जो देखे देखा होगा वो सुबह देखे गए तो बुढ़ा था ठीक है, कोई सुबह जो वीडियो देखा होगा उसमें देखा होगा यार इसका हस्बैंड एकदम बुढ़ा है, अभी देखा रही यंग हो गया, कहाँ से आ गया, मुँह चूँह काला वाला हो गया थोड़ा सा कलर लगाया। अरे ऐसे ही चलो आज सारे प्लांट्स मैंने लगा दिया, सोनू ने हेल्प कैसे है पता है? वो नहीं बोला, वो ये नहीं बोला कि मैंने हेल्प किया और उसको उठा के मेरा हेल्प यहाँ से ऊपर लेके गया फिर पौधा लगा नहीं, वो उठा के ना दूसरे जगह रख दिया और कुछ नहीं किया, गमले को उठा के दूसरे जगह रख दिया, पानी उनी सब मैं दिया और अभी ये चाय लेके बैठी हूँ शाम के टाइम। समझने दो कितना बड़ा हेल्प है, चलो ये बकते रहेगा, बकते है बहुत। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बोलो कुछ क्या तुम तो बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, कभी नहीं बोलती सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए। चलो आज रखती हूँ, बाय।